अनामिका बहू बनके ससुराल आती है। वो चॉकलेट के लिए पागल है ये जानने पे लोग उसका मजाक ना उड़ाए ये सोचकर एक दिन वो चुपचाप बिना किसी को बताए बाथरूम में जाके बकेट पे बैठ के चॉकलेट खाने लगती है। अपने हाथ में वो 10-15 से भी ज्यादा चॉकलेट पकड़ी हुई थी और उत्साहित होके उन्हें खाई जा रही थी। बाप रे, पिछले 1 घंटे से इन चॉकलेट्स को खाने के लिए मैं कितना तड़प रही थी, अब मेरी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। आहा। इस तरह से सोच के वो बाथरूम में बैठे बैठे चॉकलेट खाने लगती है। बहू को ढूंढते ढूंढते शारदा हॉल में आती है। पत्नी को तलाशते हुए रमेश भी हॉल में आता है। वहाँ हॉल में प्रसाद थे। प्रसाद माँ बेटे को उस तरह से देखकर पूछने लगते हैं, क्या हुआ शारदा, बहू को ढूंढते हुए यहाँ आई हो? मैं आधे घंटे से यहीं पे हूँ, हॉल में नहीं आई वो, कहीं तुमने उसे बाजार तो नहीं भेजा? नहीं जी। तब तुमने कहीं भेजा होगा? नहीं पिताजी। माँ ने नहीं भेजा, बेटे ने नहीं भेजा, तो बहू गई कहाँ? तुम उसे एक बार फोन लगाओ। फिर हॉल में लगा लैंडलाइन फोन से अनामिका के सेलफोन पे फोन किया जाता है। तभी हॉल से अटैच्ड बाथरूम से सेलफोन बजने की आवाज सुनाई देती है। फोन की घंटी सुनकर रमेश, शारदा और प्रसाद तीनों ही बाथरूम की तरफ जाते हैं। रमेश जाके दरवाजा खोलता है। अनामिका, जिसके मुंह में चॉकलेट ठूसा हुआ था, वो कोशिश कर रही थी कि सेलफोन की घंटी बंद हो जाए। तब तक वो देखती है कि उसके सामने शारदा, प्रसाद और उसके पति रमेश तीनों खड़े हैं। इसी के साथ उसके हाथ से चॉकलेट भी गिर गए और सेलफोन भी छूट गया। ये देखकर तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अनामिका शर्माते हुए बाथरूम से भाग जाती है। फिर शारदा, रमेश और प्रसाद तीनों हॉल में वापस आ जाते हैं। ये क्या था जी, चॉकलेट खाने की आदत है क्या? पर बाथरूम में चॉकलेट खाने की ये कैसी आदत है? माँ जी, पिताजी, अजी आप भी, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। क्यों, बाथरूम में बैठ के चॉकलेट खा रही थी इसलिए? सिर्फ इतना ही नहीं, चॉकलेट मैं पसंद ही नहीं करती हूँ, बल्कि चॉकलेट के लिए मैं पागल हूँ। अगर मुझे चॉकलेट मिल जाए तो मैं बिना खाना खा के भी जी सकती हूँ, आसानी से 100 साल जी लूंगी, मैं चॉकलेट के लिए इतनी पागल हूँ। तो असल बात यह है, अगर हमें पता चल जाता तो हम तुम्हारे ऊपर हंसते, इसीलिए तुम छुप छुपा के ऐसा कर रही थी, है ना? हाँ माँ जी। अब समझ में आया, मसाले के डब्बे से सारे पैसे कहाँ गायब हो रहे हैं और वो कहाँ जा रहे हैं? सच बताना तो अनामिका, तुम मेरे जेब से पैसे निकाल रही हो और उन पैसों से चॉकलेट खरीद रही हो ना? ऐसा कहकर सभी लोग अनामिका का मजाक उड़ाने लगते हैं। अनामिका बिना कुछ कहे हुए चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। अब जब सबको पता चली गया कि अनामिका चॉकलेट पागल है, फिर तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, ऐसा वो सोचती है। फिर कहीं से भी अनामिका को पैसा मिले, उन पैसों से चॉकलेट खरीद के खाने लगती है। तभी एक दिन जब अनामिका की नींद अलार्म घड़ी की आवाज से खुलती है, तो अनामिका अपने सामने रखे हुए ड्रेसिंग टेबल पे जब अपने आप को देखती है तो डर जाती है और डर के मारे चिल्लाने लगती है, अजी। बिस्तर पे सो रहा रमेश हड़बड़ा के आंखें खोलता है, फिर अनामिका को देखने लगता है। अनामिका बहुत मोटी हो चुकी थी। रमेश को लगा कि उसका दिमाग खराब हो गया है, शायद वो भी मोटा हो गया है। माँ, पिताजी, चिल्लाता है। पास वाले कमरे में ही सो रहे शारदा और प्रसाद रमेश के इस तरह के चिल्लाने की आवाज़ सुन के उसके कमरे में भागते हुए आते हैं। मोटी अनामिका को देखकर वो दोनों भी बड़े ही आश्चर्य हो जाते हैं। मोटी अनामिका खुद को शीशे में देखकर मनी मन सोचने लगती है, क्या हो गया, मैं अचानक से इतनी मोटी कैसे हो गई? वो सोच ही रही थी कि सासू माँ शारदा खुद को संभालते हुए कहती है, तुम्हारे चॉकलेट की पागलपन की वजह से ऐसी हो गई हो। हाय भगवान, अब से मुझे ख्याल रखना होगा कि तुम्हें कहीं से भी 1 रुपया भी ना मिल पाए, नहीं तो हमें अपने दरवाजे को ही बदलवाना पड़ेगा तुम्हें घर के अंदर घुसाने के लिए। ऐसा कह के शारदा प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। तब से चॉकलेट की पागल अनामिका को एक नया कौड़ी नहीं मिलता था, चाहे वो घर के कोना कोना ही क्यों ना छान मार ले। फिर भी हृष्ट पुष्ट अनामिका का चॉकलेट से मुंह नहीं छूटा। अब मैं क्या करूं? कहीं भी ढूंढ लूं पर एक नया कौड़ी तक नहीं मिल रही है। पिताजी, माँ, मेरे पति इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि कहीं से भी मुझे एक पैसा भी ना मिले। अब मैं क्या करूं? चॉकलेट खाने की इस इच्छा को मैं कैसे पूरी करूं? सोचते हुए अनामिका बाहर आती है और चारों दिशाओं में देखने लगती है। तभी अचानक से अनामिका को दीवार पे टंगी हुई एक बैंक का बैनर दिखता है। तभी अनामिका के दिमाग में बैंक लूटने का विचार आता है।
खुश होकर वो मनी मन सोचती है, ये विचार बड़ा अच्छा है, बस एक बार मैं पैसे लूट लूं, तो उन पैसों से मैं चॉकलेट खरीद के आराम से खा सकती हूँ। फिर सास ससुर पति पैसे दे चाहे ना दे, परवाह करने की जरूरत नहीं। सोचते सोचते शाम हो जाती है, वो लॉन में ही टहल रही थी। फिर बीच रात में जब सभी सो चुके थे, वो एक बड़ा सा हथौड़ी लेकर बैंक में जाती है। हथौड़ी से बैंक के दीवार पे छेद करती है और उसी छेद से वो बैंक के अंदर प्रवेश कर जाती है। पैसे लेकर जब वो बैंक से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो अब मोटी अनामिका बाहर निकल नहीं पाती है। जी जान लगा के वो उस छेद से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर वो वहीं अटक जाती है। तब तक सुबह हो जाती है। चॉकलेट के लिए पागल बहू अनामिका ने क्या हरकत की है, ये जानने के बाद शारदा प्रसाद वहाँ भागते हुए आते हैं। पुलिस को भी खबर मिलती है तो वो भी बैंक पहुँच जाते हैं। पुलिस दीवार तोड़ के उसे बाहर निकालते हैं और पकड़ के ले जाते हैं। बताओ, ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि चोरी करनी पड़ी? चॉकलेट के लिए सर, मैं चॉकलेट के लिए एकदम पागल हूँ। मैं बहुत मोटी हो गई थी, इसीलिए मेरे सास ससुर मेरे पति मुझे चॉकलेट से दूर रखने लगे। जब रोक टोक करने लगे तो मुझे ऐसी चोरी करनी पड़ी। उसकी ऐसी बातें सुनके सब इंस्पेक्टर रवि शारदा से कहने लगे, देखिए आप तीनों को अरेस्ट करेंगे हम। आप तीनों की वजह से अनामिका ने आज चोरी की, इसीलिए आप तीनों अपराधी हैं। ऐसा कह के उन तीनों को अरेस्ट करके वो उन्हें जेल में डाल देते हैं। लॉकअप में बंद शारदा बहु अनामिका को ही कोस रही थी। तब तक रमेश का दोस्त आदित्य आकर उन तीनों का बेल करा के छुड़ा ले जाता है। तब से वो खास करके अनामिका को पैसे देने लगे, ताकि अनामिका जाके जी भर के चॉकलेट खा सके, और चॉकलेट खा के अनामिका खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। सुबह दोपहर देवी माँ की पूजा के लिए अनामिका सारे सामान लेके पहाड़ों पे आया करती थी। हल्दी कुमकुम लगाकर नारियल फोड़ती थी। सिसकते हुए फिर देवी माँ को देखकर, हे पहाड़ी देवी, अब मैं अपनी सासू माँ की तकलीफों को सह नहीं पा रही हूँ। वो कह रही है पैसे लेकर आओ, नहीं तो वो अपने बेटे की कहीं दूसरी शादी करवा देगी। वो इस तरह से मेरा जीना हराम करके रखी है। आप मुझे अपने पास बुला लीजिए, मेरे बच्चों का अभी ख्याल रखिए। ऐसा कहकर वो पहाड़ों से कूदने के लिए बस कोने तक पहुंची। अपनी आंखें बंद करके पहाड़ों से कूदने ही वाली थी कि अचानक से वहां पहाड़ी देवी की आवाज आने लगती है, अनामिका आंखें खोल के देखो, मैं पहाड़ी देवी। आवाज सुन के अनामिका आंखें खोल के देखती है, देवी माँ सामने ही खड़ी है। ये देखकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। अनामिका, जन्म और मृत्यु तुम्हारे हाथों में नहीं है, जो होगा वो सही समय पे ही होगा। जबरदस्ती अपनी जान देकर तुम ऐसा पाप मत करो, ये तुम्हारी लड़ाई है और तुम्हें इसमें जीतनी होगी। बेवक्त अपनी जान देना सही बात नहीं है। माँ, आपने कहा कि अगर मुझे जीना है तो विजयी होना होगा, इसके लिए मुझे बहुत पैसे चाहिए होंगे, या फिर आप मेरे बालों को सोने का कर दीजिए, तब जाके पैसों की पागल सासू माँ थोड़ी शांत रहेगी और हमारा जीवन सुखमय होगा। अच्छा, तो यहाँ पैसों की पागल सासू माँ ही वजह है? हाँ माँ, वही है सब की वजह है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। अगर मैं तुम्हें पर्याप्त पैसे दे भी दूं, तो हो सकता है कि तुम्हारी सास लालच के मारे तुम्हारी जान ले ले, इसीलिए मैं तुम्हें सोने के बाल दूंगी। जब भी तुम्हारी सासू माँ तुमसे पैसे मांगे, बिना कुछ सोचे समझे बस तुम मेरे बारे में सोचना, तुरंत तुम्हारे सारे बाल सोने के हो जाएंगे। फिर एक सुनहरा बाल तोड़कर तुम अपनी सासू माँ को दे देना, सासू माँ को उससे बहुत पैसे मिल जाएंगे। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। अनामिका असमंजस में थी और वो परीक्षण करना चाहती थी कि ये सच है या झूठ। फिर जैसे ही वो देवी के बारे में सोचती है, उसके बाल सुनहरे हो जाते हैं। सुनहरे बालों को देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। उनमें से अनामिका ने एक बाल लिया और फिर देवी की प्रार्थना करने लगी। उसके बाल फिर से सामान्य हो गए। अनामिका बहुत खुश थी। वो उस बाल को अपने हाथ में रख के सीधा घर के तरफ रवाना हो गई। वहाँ दरवाजे के पास ही सासू माँ शारदा खड़ी थी और अनामिका को गुस्से से देखकर कहने लगी, पैसे कहाँ हैं? तुमने कहा था कि पैसे मिल जाएंगे, पैसे कहाँ हैं बताओ। वो सासू माँ, फिर वो सासू माँ के हाथों में वो सुनहरा बाल रख दी। अजीब तरह से देखते हुए सासू माँ गुस्से से कहने लगी, ये क्या है?
जब मैं पैसों की तलाश कर रही थी तो मुझे सोने के तारों से भरा हुआ एक घड़ा मिला। जब भी आपको पैसे चाहिए होगा आप मुझसे कहिएगा, मैं एक धागा ला दूंगी। क्या कहा, तुम सच कह रही हो? अगर ऐसी बात है तो वो तारों से भरा हुआ घड़ा मुझे ला के दो, तुम करोगी ही क्या? वो तो संभव नहीं हो पाएगा माँ जी। पूरे तार लेने के बाद अगर आप मुझे धक्का मार के इस घर से बाहर निकाल दी तो? हो ही सकता है, इसीलिए मैं एक बार में तो नहीं दूंगी। जब जब आपको चाहिए होगा आप मुझे कहिएगा, मैं खुद जाऊंगी और जाके आपके लिए सोने का तार ले आऊंगी। ऐसा कहकर अनामिका अंदर चली गई। सासू माँ जानना चाहती थी कि सोने का तार जो बहू लाई है वो असली है या नकली, इसीलिए वो सीधा सोनार के दुकान चली जाती है। सोनार उस तार के बदले ढेर सारे पैसे देता है। अगर आपके पास ऐसे और भी सोने हैं तो मुझे बेच दीजिए, जितना चाहेंगी पैसे दूंगा। सोनार की बातें सुन के शारदा बहुत खुश होती है। फिर पैसे लेके शारदा घर वापस लौट आती है। तब से अनामिका घर का कामकाज, खाना पकाना, बच्चों का ख्याल रखा करती थी और जब भी पैसों की पागल सासू माँ को पैसे चाहिए होता था अनामिका साइड में जाके ध्यान करती थी। उसी के साथ अनामिका के पूरे बाल सोने के हो जाते थे। उनमें से अनामिका एक बाल ले लेती थी और फिर ध्यान करने पे उसके बाल फिर से साधारण हो जाते थे। फिर वो बाल लाके अनामिका अपनी सासू माँ को दे दिया करती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन रमेश घर पे नहीं था और प्रसाद गहरी नींद में सो रहे थे। जब शारदा सोने की कोशिश करे, आंखें बंद करते ही उसे अनामिका का बाल दिख रहा था जो वो सोनार को दे रही थी और बदले में पैसे ले रही थी। इस वजह से वो बिस्तर पे उठ के बैठ जाती है। वैसे भी बेटा घर पे नहीं है, बहू बच्चों को लेकर सो रही है और मेरे पति तो जोर जोर से खराटे ले रहे हैं। यही अच्छा समय है, कैसे भी अनामिका को मार पीट करके डांट के उससे वो सोने के तार वाला घड़ा में ले लूंगी। और अगर बच्चे रोने लगे तो ठीक है, तो अभी नहीं, कल मैं उससे जरूर लूंगी। ये सब सोचते सोचते वो रात भर ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन शारदा अनामिका और बच्चों को साथ लेकर कुएं के तरफ घास काटने की मशीन के पास जाती है। सुनो बहू रानी, तुम्हारे पास जो घड़ा है सोने के तारों वाली, वो अभी के अभी दे दो, नहीं तो तुम जानती हो मैं क्या करूँगी। अरे माँ जी भरोसा कीजिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सीधे मुँह से पूछने पे नहीं दोगी? ऐसा कहकर शारदा बच्चों के गले पे चक्कू रख देती है। डर के मारे अनामिका भगवान की प्रार्थना करने लगती है। इसी के साथ अनामिका के बाल सोने में बदल जाते हैं। देखकर शारदा बहुत खुश होती है, पर शारदा और लालची हो जाती है। अरे अनामिका, मुझे सारे सोने के बाल चाहिए, तुम कटिंग मशीन के पास लेट जाओ, नहीं तो बच्चों को। ये देखकर बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। अनामिका मशीन के पास जाके लेट जाती है। शारदा मशीन घुमाने लगती है, अनामिका प्रार्थना करने लगती है। वहाँ देवी माँ प्रकट हो जाती है और आकर शारदा को गुस्से से देखने लगती है। इसी के साथ शारदा को लकवा मार देता है, उसके एक हाथ एक पैर काम करना बंद कर देते हैं। अनामिका देवी माँ को नमन करती है। देवी माँ आशीर्वाद देके वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है। अनामिका अपने बच्चों को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। प्रसाद और रमेश को जब पता चलता है कि शारदा खेतों में पड़ी हुई है, वो दोनों उसे उठाकर ले आते हैं और बिस्तर पर लाके सुला देते हैं। अनामिका सासू माँ की लालच और बुरी हरकतों के बारे में प्रसाद और रमेश को सब कुछ बता देती है। शारदा से घृणा करने लगते हैं, उसे खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी तक नहीं देते हैं। पैसों का बंडल लाके चारों तरफ रख देते हैं। शारदा ना मर सकती थी ना जी सकती थी, बिस्तर पे पड़ी पड़ी तड़प रही थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। फिर एक दिन शारदा सबको बुलाकर, मेरे लिए बहू और बेटी तुम ही थी, पर मैं ये बात भूल गई, मैंने तुम्हें पैसों के लिए बहुत परेशान किया, मैंने तुम्हें मारने की भी कोशिश की। चाहे कितने भी पैसे हो जाए, पैसों से कुछ नहीं होता, लोगों का प्यार सहानुभूति चाहिए होता है। मुझे माफ कर दो, बस एक काम तुम मेरे लिए कर दो। क्या काम माँ जी? अपने हाथों से मेरी जान ले लो, इतनी तकलीफ सहा नहीं जा रहा। ऐसा मत कहिए माँ जी, ये सब बदलाव के लिए हुआ, आप बदल गई है, अब मैं आपको जीने के लिए मदद करूँगी। ऐसा कह के अनामिका तब से अपनी सासू माँ का ख्याल रखने लगती है और बच्चे परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।